गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके कुछ सेंट्रल और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जिनके कि बहुत कम मार्क्स है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार CUET से रिलेटेड, CUET PG से रिलेटेड जितनी भी काउंसलिंग की अपडेट्स है वो लगातार दे रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्या रैंकिंग है इसकी, कैसा यहाँ पर प्लेसमेंट है, सारी चीज़ें समझेंगे। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है, याद रखिएगा कि कंट्री रैंकिंग पे ये 95th पे आता है और आपके वर्ल्ड रैंकिंग में 4849 रैंक पे आता है। तो यहाँ पर भी जो भी आपके कोर्सेज चल रहे हो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। याद रखिएगा कि जिनका मार्क्स 200 के नीचे होगा और 150 से नीचे जो हैं और 100 से नीचे जो है वो यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। अब कोर्स अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितना कोर्स है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा कि आपका MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। आपका यहाँ पर MCOM अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंट्रोल भी आपका अवेलेबल है यहाँ पर कोर्स में। MCOM यहाँ पर MCOM बैंक मैनेजमेंट अवेलेबल है, LLM है, ठीक है, LLM बिजनेस में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, MSc मैथ्स, क्लियर। और याद रखिएगा कि बायो केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अवेलेबल है, बायो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स भी अवेलेबल है आपका MSc का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आपके MSc का अवेलेबल है, और याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपके MSc का अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, MSc के बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइफ साइंसेज, MSc मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, MSc जो है फिज़िक्स अवेलेबल है, MSc याद रखिएगा कि MSc फिज़िक्स मटेरियल साइंस और MSc स्टैट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके देवी अहिल्या में। और आपके याद रखिएगा कि देवी अहिल्या में यहाँ पर आपको जो है MBA का भी प्रोग्राम है, ME और MTech, MSc, MPharma, ठीक है, MA, MCOM, LLM, ओके, MSwB और मास्टर्स इन लाइब्रेरियन और मास्टर्स इन वोकल भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिनके लो मार्क्स है वो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका हम लोग ज़रा देखते हैं रैंकिंग क्या है। तो ये इसकी भी जो रैंकिंग है आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी का, ये भी आपके पूरे जो है इंडिया में इसका रैंक 503 है। तो जिनके भी कम मार्क्स है वो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़े जो कोर्सेज़ यहाँ पर महंगे हैं, ठीक है, MA का जो कोर्स है यहाँ पर दो कोर्सेज़ अवेलेबल है MA के। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 59,000 जो है आपका टोटल पूरे साल, मतलब 2 साल का मिला के आपका टोटल 59,000 पड़ेगा। और जो है ऐसे ही अगर आप MSc करते हो तो सेम ये MSc का भी यही है, जितने भी आपके कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और आपके LLM में भी 59,000 ही यहाँ पर आपकी टोटल फ़ीस लगने वाली है। और यहाँ पर अभी MSW का फ़ी स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है, ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा ये आपका जो कुछ कोर्सेज़ के लिए फ़ी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। तो जो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा इसकी जो रैंक है वो आपकी 407 रैंक है। तो जिनके भी लो मार्क्स है वो भी यहाँ पर याद रखिएगा कि अप्लाई कर सकता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देवी अहिल्या और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पुलिस एंड सिक्योरिटी से ज़्यादा आपका यहाँ पर सस्ता MA है, ठीक है। अगर ये अगर इसका फॉर्म आता है तो ज़रूर भर लीजिएगा। जिनके लो मार्क्स है 16,390 रुपीज़ यहाँ पर है आपके एक ईयर की फ़ीस फॉर MA। और याद रखिएगा कि MSc के लिए भी आपका सेम फ़ी स्ट्रक्चर है और आपके MSW के लिए यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एपिक्स यूनिवर्सिटी का, ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, आप लोग भर लीजिएगा एपिक्स यूनिवर्सिटी का। जिनको प्लेसमेंट प्रेफर करना है वो एपिक्स यूनिवर्सिटी को ज़रूर प्रेफर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा फ़ीस है वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा अगर आप जो है देखना चाह रहे हो कि, तो पर यहाँ पर याद रखिएगा कि प्लेसमेंट आपका अच्छा है, क्लियर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो MBA की फ़ीस है ना, MBA जो अवेलेबल कोर्स है MBA का,
यहाँ पर 1.2 लाख जो है आपके वन ईयर की फ़ीस है एमबीए के लिए, क्लियर। पर जो यहाँ पर प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे लोग, मतलब बहुत जो है उम्दा लोगों से इनका टाई अप है, और जिनको भाई यहाँ पर अगर प्लेसमेंट के लिए जाना है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि CUET में एक अच्छे प्लेसमेंट वाला कॉलेज आपको एपेक्स यूनिवर्सिटी ही मिलेगा, क्लियर। और भी बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। एपेक्स यूनिवर्सिटी में अगर MCA के प्रोग्राम की फ़ीस देखें तो आपका 1.5 मतलब 50 लाख जो है आपको देखने के लिए मिलेगा एवरेज जो है ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर, ओके। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो आपका एवरेज जो ट्यूशन फ़ीस है वो 1 लाख है यहाँ पर। पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, पर प्लेसमेंट और इसके वाइज यहाँ पर, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मास्टर्स इन लाइब्रेरियन एंड साइंस भी है, तो यहाँ पर 25,000 MLib का है, ठीक है, मास्टर्स इन लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन का, क्लियर। और यहाँ पर MPT है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, जो कि आप इसका फ़ीस आपको एवरेज जो फ़ीस है वहाँ पर 1.30 लाख है, ठीक है। मास्टर्स इन जो है आपकी फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशन में न्यूरोलॉजी होती है, ठीक है, कार्डियो कार्डियोपल्मोनरी होती है, तो ये दोनों की भी फ़ीस वही 1,30,000 है, ठीक है, ओके। MPH भी यहाँ पर है। MSW की फ़ीस अगर हम देखें तो MSW की फ़ीस जो है आपकी एवरेज ट्यूशन फ़ीस जो है 80,000 है, ओके। और याद रखिएगा ये सब प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं, तो जिनको प्लेसमेंट चाहिए वो ले लें। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी रैंकिंग क्या है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, इसकी रैंकिंग 178 है। जो भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, पर याद रखिएगा जिसका 200 प्लस मार्क्स है और 200 से जो नीचे भी है वो भी अप्लाई करेगा, 150 से नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। अब जो कोर्सेज, एक बार आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। फटाफट जो है कवर कर लेते हैं आगे के। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर, इसमें देखते हैं। तो अगर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर की रैंकिंग देखें तो 532 है, तो जिनके लो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लो मार्क्स में 200 से नीचे 150 और 100 से नीचे वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसके कि अच्छे मार्क्स हैं, मास कम्युनिकेशन करना है और अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। IIMC न्यू दिल्ली का रैंक 1 है बाई आउटलुक iCare 2022 के द्वारा, ठीक है। तो जिनको मास कम्युनिकेशन करना है वो इस यूनिवर्सिटी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके और अदर कोर्सेज भी यहाँ पर रन कर रहे हैं तो जिनके 200 प्लस मार्क्स है, 250 प्लस वाले भी जा सकते हैं यहाँ पर, और 150 प्लस वाले भी यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके नीचे वाले कम प्रेफर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा का, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो इसकी रैंकिंग फर्स्ट है, ठीक है, पर ऑल इंडिया रैंक में इसका कोई अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर MA के कोर्स रन होते हैं, ठीक है, आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा में यहाँ पर MA के कोर्सेज़ रन होते हैं, 4 MA के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर जो फ़ीस है आपकी 50,000 से लेके 1 लाख तक टोटल आपको फ़ीस पड़ेगी, क्लियर। और याद रखिएगा कि MBA के भी प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके, MBA और PGDM के, तो जो है यहाँ पर आपका लगभग 1,19,000 या फिर जो है 2.5 लाख के आसपास आपके MBA के प्रोग्राम की फ़ीस पड़ेगी, क्लियर। और जो और भी अदर कोर्सेज है, पर ये कि यहाँ पर जिसके भी लो मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है। यहाँ पर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर को देखते हैं, जो कि आपका एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देख। तो अगर हम विवेकानंद जो है आपके ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 526 रैंक है। यहाँ पर भी वो स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेट प्राइवेट है तो थोड़ी यहाँ पर जो महंगी फ़ीस होगी, पर जिनके भी लो मार्क्स हैं, ठीक है, थीके? जिनके जैसे 100 के नीचे मार्क्स है, 150 के नीचे वाले, आप इस कॉलेज में आराम से अप्लाई करो और आपके आराम से इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अरुणाचल यूनिवर्सिटी एंड स्टडीज़। याद रखिएगा कि अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टडीज़ भी आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी जो लो मार्क्स वाले हैं वो आपके अप्लाई कर सकते हैं। रैंकिंग की बात करें तो अरुणाचल जो आपका यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी
ओके ऑफ स्टडीज़, इसकी रैंकिंग जो है 674 है। तो यहाँ पर भी जो लो मार्क्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर इनके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है तो 100 से नीचे वाले आप इस पर अप्लाई ज़रूर करिएगा। 150 से नीचे वाले में भी अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक स्टेट एंड प्राइवेट है तो आपको जो है थोड़ा फीस कम ही देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्राइवेट से तो कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का देख लेते हैं गलगुटियाज़ यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा गलगुटियाज़ भी आपका एक प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे जो है बात करेंगे कि इसकी रैंकिंग क्या है। तो याद रखिएगा कि इस बार के जो रैंकिंग में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, गलगुटियाज़ का रैंक जो था वो आपका 59 था। तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा मिलने वाला है, पर थोड़ी सी फ़ीस जो है आपको हाई दिखने वाली है। क्लियर। याद रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ी फ़ीस आपको हाई दिखेगी, पर अदरवाइज़ यहाँ पर जो प्लेसमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एमए के कोर्स में लगभग आपको यहाँ पर, अगर आप एमए करते हो तो लगभग आपका 1 से 1.5 लाख में एमए होगा, ठीक है। और आपके एमबीए में भी जो है 2 लाख से लेके 4 लाख तक एमबीए में आपका लग सकता है टोटल ट्यूशन फ़ीस। और जो अदर कोर्सेज़ है जैसे एमसीए है तो सेम वही है, 2 लाख से 4 लाख के बीच में आपका लग सकता है। अगर आप एमएससी भी कर रहे हो तो 1 लाख से लेके जो है 3 लाख के बीच में आपका टोटल जो है फ़ीस लग सकता है। तो ये सब जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट है, तो पर यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, तो जिनको भी अप्लाई करना है वो गलगुटियाज़ में कर सकता है। नेक्स्ट है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, ठीक है। के आर मंगलम को देख लेते हैं, ये भी एक आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो जिनके लो मार्क्स हैं, जिनके 100 के नीचे मार्क्स हैं, जिनके 150 के नीचे मार्क्स हैं, जिनके 200 के नीचे मार्क्स हैं, और जिनको मतलब जो कैपेबल हैं कि वो इतना फ़ीस दे सके, तो आप के आर मंगलम में भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी जो है आपका नेक्स्ट, आपका जो विक्रम यूनिवर्सिटी एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिनके लो मार्क्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है निर्वाणम यूनिवर्सिटी फॉर जयपुर, ठीक है। निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर का जो रैंक, ये भी आपकी प्राइवेट है, ठीक है। जैसे आपका निर्वाण हो गया, ठीक है, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, क्लियर। और आपका दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, ये डीम्ड है। तो ये यूनिवर्सिटी में वो लोग अप्लाई करें जिनके कि जो कि आराम से एक अच्छी फ़ीस को पे करने के, जैसे क्योंकि आप 2 साल में टोटल आपको 1 से 1.5 लाख जो है एमए के लिए फ़ीस लगने वाला है, एमएससी के लिए भी वही लगभग लगेगा, 2 से 4 लाख आप अगर एमबीए की जो फ़ीस है लगेगी, पर ये है कि आपको प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं एमजेपी, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, पर इसकी रैंकिंग जो है ऑल इंडिया अगर देखें तो 88 रैंक पे है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है आपका अगर आप देखें तो स्कोर्स भी है, साथ साथ जो मतलब रेटिंग किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा वो भी काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। तो अब देखते हैं कि जो कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, यहाँ पर आपके डिफरेंट कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे फॉर जो है मास्टर्स प्रोग्राम। अब क्या क्या कोर्सेज समझते हैं, अगर हम यहाँ पर आपके एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को अगर हम देखें कि यहाँ पर जो आपके एमए की फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 5,000 से लेके 32,000 तक टोटल आपकी ट्यूशन फ़ीस पड़ सकती है, 32,000 तक। एलएलबी की भी फ़ीस आपकी 36,000 से लेके 1 लाख तक आपकी पड़ सकती है, ठीक है। एमएससी के लिए वैसे ही 6,000 से लेके 28,000 तक आप जो है 6,000 से लेके 2 लाख तक आप जा सकते हैं एमएससी में। बीएड का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 30,000 से लेके जो है 1 लाख तक आपका टोटल एग्रीगेट पहुंच सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एमबीए भी है, तो एमबीए का 8,000 से लेके 1.5 लाख तक फ़ीस आपकी है, और एमएड की जो है 50,000 से लेके 1 लाख तक आपकी टोटल फ़ीस पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कोल का देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो जहाँ यहाँ पर भी अगर जिसकी कम मतलब जो है रैंकिंग, जिसके कम मार्क्स है स्पेशली, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, फॉर फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए। नेक्स्ट हमारा है मानव रचना इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, ये भी आपका एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम इसके इंजीनियरिंग की रैंकिंग देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो है प्राइवेट रैंकिंग में 174th पे आता है, बट अदरवाइज़ अगर हम NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ये जो है आपकी मानव रचना जो है 151 से लेके 200 रैंक्स के बीच में आता है। तो जिनके लो मार्क्स है, जिनके 200 से नीचे मार्क्स है, जिनके 150 के नीचे, 100 के नीचे हैं, तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। आपका नेक्स्ट है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज़, ये भी वहीं पर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी भी रैंकिंग सेम है क्योंकि ये दोनों आपके फरीदाबाद में ही एक ही यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर भी 12 लगभग कोर्सेज ऑफर्ड किए गए हैं, तो जिनको भी मतलब एक तो फ़ीस थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए जो है हाई देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक साल के एमएससी का जो यहाँ पर फ़ीस है लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो जिनको भाई प्लेसमेंट चाहिए, जिनको है ना जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बनारस में ही है। यहाँ पर भी लो रैंकिंग वाले लोग जैसे जिनका मार्क्स कम है, जो 100 के नीचे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको मतलब अच्छा नंबर तो नहीं मिलेगा पर आप ले सकते हो यहाँ पर एडमिशन। लो मार्क्स 100 वाले, 150 वाले, 200 से नीचे वाले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में। ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलोर, मेन कैंपस कलकत्ता, वेरी नाइस, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर जिनके मार्क्स 200 हैं प्लस हैं, 150 प्लस, 100 प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपके रामकृष्ण मिशन वाले में। सेम है आपका दोनों, ठीक है, दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर रांची में भी आपका रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के लिए आप जा सकते हो, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जो है आप लोग कोयम्बटूर में देखिए 4 आपके रामकृष्ण मिशन के इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा फ़ीस हाई होगा बट जिनके लो रैंकिंग है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मूडी यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये भी आपका लो मार्क्स वाले लोग प्रेफर करें जिनका 100 से नीचे है, 150 से नीचे है, ठीक है। याद रखिएगा 150 से नीचे है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी लो मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसका मार्क्स अभी मैंने बताया है। NICMAR यूनिवर्सिटी पुणे, ये भी प्राइवेट है और प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है, तो जिनके लो मार्क्स से अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पूरी लिस्ट थी, इस लिस्ट में सारे जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी और स्पेशली जो जिन बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम होने का चांसेस है, वो इस यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई कर लें, जिससे कि उन्हें उनका जो ईयर है वो ड्रॉप ना हो और आपको जो है कॉलेज भी मिल जाए। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।